हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिंधु आज बेसन वाली घुघनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिहार में हर घर में बनाई जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी काले चने को रात भर भिगो के रख दिया था। 2 चम्मच बेसन लिया है, 1 प्याज को बारीक काट लिया है, 1 अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच हल्दी लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 हरी मिर्च काट लिया, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है। गर्म मसाला इसमें नहीं डाला जाता है। सबसे पहले चना को कुकर में डाल के और थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के सीटी लगा देंगे, 2 सीटी में हो जाएगा। अब पैन गर्म हो गया है, इसमें सरसों तेल डाल दूंगी, 1 चुटकी हींग डाल दूंगी, जीरा डालूंगी, 1 लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता और लाल कलर में प्याज डाल दूंगी। प्याज को लाल करूंगी थोड़ा। ग्रीन चिली डाल दूंगी। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। सभी सूखे मसाले को डालकर पानी डालकर एक पेस्ट बना लूंगी। सभी मसाले के पेस्ट को इसमें डाल दूंगी। अब बेसन में 2 चम्मच पानी डालकर इसका घोल बना लूंगी। चना इतना दब जा रहा है, हो गया। अब उबला हुआ चना इसमें डाल दूंगी। इसे रोटी, नान, राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप इसे बनाइए और मेरे चैनल देसी व्यंजन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।